बार बार एक ही जगह से गाते हो आप, तो आपके ब्रेन में वो चीज पक्की होती है। मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्ती, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। स्केल तैयार की जा सकती है। एक ऊपर वाले ने एक लिमिटेड ऐसे दे दिया फंक्शन गले में, उसको तुम थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, तो काली दो अगर होती है तो काली एक काली दो, या सफ़ेद एक सफ़ेद तीन, इसमें भी आप कर सकते हो। ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करना। मैंने बहुत से गायकों को देखा है कि वो लाइट गाते तो ये एफ शार्प से, ये जी शार्प से, ये सी शार्प से, ये ऐसा, तो ये जो चीज़ होती है ये उनको ठीक है। एज ए म्यूजिशियन करके मैंने बहुत लोग देखा कि वो अलग अलग तरीके, क्योंकि उनके दिमाग में वो गाना कौन गा रहा ये चीज़ रहती है। कभी इनको देना है, कभी उनको देना है, कभी उनको देना है। लेकिन अगर खुद अगर गाना है तो स्केल बार बार ना बदले। म्यूजिशियन क्या करता है कि अच्छा रफ़ी साहब गाना गाएंगे तो उनके हिसाब से उनकी स्केल कितनी ऊंची है उस हिसाब से वो गाना वहाँ से बजाता है। वही गाना अगर तलत महमूद साहब गा रहे होंगे तो उनके नीचे की स्केल में लेगा, वही गाना वाडकर साहब गा रहे होंगे तो उसके स्केल के हिसाब से वो काम करेंगे। तो उनकी बार बार स्केल बदल सकती है, आपकी स्केल ना बदलना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन में जो एक साफ बना पड़ा हुआ है, बार 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 उस चीज़ को आप उसी जगह से अगर गाते हो, ये साइंटिफिकली मैं आपको प्रूव कर दूंगा, ये बार बार एक ही जगह से गाते हो आप, तो आपके ब्रेन में वो चीज पक्की होती है और आपके ब्रेन को मालूम है कि ये सा है, ये बना हुआ सा है मेरा, तो सभी चीजें आप उसी लेवल से सोचते हो। लेकिन अगर आपने बार बार सा चेंज किया या ऊपर किया तो थिकनेस उसका सा का कम हो गया। देखो समझो, अगर ये सफेद तीन में गा रहे हो तो अगर इतना थिकनेस तुम्हारे ब्रेन में उसका तुमने चूज किया या बन चुका है, तो अगर डी शार्प में अगर गाते हो तो ये थिकनेस बढ़ गया, आवाज़ नीचे आ गया, आवाज़ नीचे आ गया तो नेचुरली उसका जो पॉइंट है ऊपर का वो भी नीचे आ गया है, तो वो पॉइंट पॉइंट ना रहते हुए ऐसे आएगा। आप उसको पॉइंट लगाओगे लेकिन वो ब्रेन के अंदर वो पॉइंट इतना आएगा तो आवाज़ की क्वालिटी वहाँ पर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और करके जितना नीचे गाते हो उतनी आवाज़ मोटी होती है, जितना ऊपर गाते हो उतनी आवाज़ पतली होती है। अगर आप सी शार्प में गाते हो, जब डी शार्प में ये था तो सी शार्प में आपकी लेंथ ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, तो नेचुरली आप पॉइंट लगाने की कोशिश करोगे तो आपको ढाला ढाला गाना लगता है, यार मजा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि उसका जो तनाव रहता है फेंकने का, जो स्ट्रोक मतलब स्नायु को जो एक तनाव आता है, वो मसल्स का तनाव कम होने के कारण आपको गाना ढीला ढीला लगता है, एनर्जी लेवल आपकी कम हो जाती है। एनर्जी जब तक खींच के तान के पड़े हो, एनर्जी को ना ताकत को, गलती यही करते हो आप ताकत लगाते हो और जोर से उसको लगाते हो। कुछ लोगों ने तो रफ़ी साहब का इमिटेट करते करते गाना अपनी आवाज़ को बिगाड़ दिया है, इतना एयर थ्रो बाहर निकालते थे, इतना एयर थ्रो बाहर निकालते थे। हालांकि देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये करके और उनको इमिटेट करके दोनों अंतर है, दोनों में फ़र्क है। कुछ गायक ऐसे हैं कि जो रफ़ी साहब के आवाज़ की नकल करते हुए काम कर रहे हैं, और कुछ गायक ऐसे हैं जो रफ़ी साहब क्या करते वो शास्त्रीय दृष्टि विचार करके वो उनको मतलब उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जैसे किसी एक चित्र का कलर जेरोक्स निकालना है तो चित्र जैसे है वैसे ही कलर जेरोक्स आ जाएगा, वैसे इमिटेट करने वाले लोग हैं, लेकिन ये चित्र जो है उसको देखकर खुद पेंटिंग करने वाले, देख देख कर पेंटिंग करने वाले ये लोग हैं, ऐसे भी कुछ गायक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से इमिटेट नहीं करना है। अगर रफ़ी साहब है तो लोग तुम्हारे को क्यों पूछेंगे। अच्छा फिर कुछ लोग उसकी याद में चलते भी होंगे लेकिन उनका खुद का कहाँ वजूद है, वो यार रफ़ी साहब जैसे गाते हैं, किशोरदा जैसे गाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। उनका खुद का आवाज़ ढूंढने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो नहीं मिलते हैं। अब इनका क्या हो गया कि इन्होंने वो चित्र उतारा है, उन्होंने अपने माइंड को वहां पे खपाया है कि अच्छा ये ऐसा नहीं ऐसा, फिर इतना ही नहीं इतना, तो
तो वो शास्त्रीय दृष्टा क्या करते थे ये जान के उन्होंने अपने आवाज में वैसे परिवर्तन लाया है और वो सक्सेस हो गए। हुआ क्या, रफी साहब के स्टाइल से उन्होंने आवाज को रखा, इन्होंने रवि साहब के आवाज की स्टाइल किया, उसने स्टाइल से आवाज बनाया, इसने आवाज की स्टाइल रखा। ये चीज आपको करना है तब आपको अपना खुद का वजूद तैयार करते हुए आएगा। ये एक ही वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट अभी बोल दिया है, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में अलग अलग वीडियो बना रहा हूं। आपको समझना चाहिए कि ये क्या करना है, कैसे करना है।